बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों हम कर रहे थे सेवरल नंबर्स की एडिशन, और सेवरल नंबर की एडिशन को आज हम ज़रा सिंपलर वे में करेंगे, ज़रा फ़न वे में सीखेंगे और ये जानेंगे कि हमारे लिए ऐड करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम अपने नंबर को 10 बना दें। तो हम अपने नंबर्स को 10 बना कर उनको बहुत आसानी से किसी भी नंबर में ऐड कर सकते हैं, जैसे 10+1 मेक्स 11, 10+2 मेक्स 12। 10 के साथ किसी भी नंबर की एडिशन बहुत आसान हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम भी अपने नंबर्स को 10 में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी नंबर हमारा 10 से क्लोज़र होगा उसको हम 10 बना देंगे। तो चलें देखते हैं हम ये काम कैसे करेंगे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 9+3। ठीक है बच्चों, 9+3। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इनमें से बिगर नंबर कौन है और क्लोज़र टू 10 कौन सा नंबर है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि 9 इज़ बिगर एंड वेरी क्लोज टू 10, 10 से बहुत क्लोज है 9, और 3 जो है वो स्मॉलर है। तो हम 9 को एज इट इज़ रहने देंगे और 3 को स्प्लिट कर देंगे 3 इक्वल स्मॉलर पीसेस में, यानी 1+1+1। इस तरीके से हम 1+1+1 करके 3 को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 3 इज़ इक्वल टू 1+1+1। 3 वंस हैं ये। अब हम क्या करेंगे कि हम ऐड करेंगे 9 में जितने वंस हमें चाहिए हैं 9 को 10 बनाने के लिए। और बच्चों आप बताएं कि कितने चाहिए। जी 9 को ओनली 1 चाहिए टू चेंज 9 into 10, ताकि हम 9 को 10 में कन्वर्ट कर सकें हमें सिर्फ 1 नंबर उसमें ऐड करना पड़ेगा। हम इस 1 को यहाँ पर से चुपके से जल्दी से 9 के साथ मिलाएंगे, ताकि 9 10 बन जाए, 9+1 मेक्स 10। और ये जो बाकी के दो नंबर्स रह गए हैं 1+1, इनको हम अलहदा से आपस में ऐड कर देंगे, 1+1 मेक्स 2। तो बच्चों देखें यहाँ पे बन गया 10, यहाँ पे आ गया 2, 10+2 मेक्स 12। जी यहाँ पर हम इस पर आंसर लिखेंगे 12। अब 10+2 12 है, और अब हमें आंसर मिल गया है इतनी आसानी से कि 9+3 कितना होगा, 9+3 होगा 12। जी देखा बच्चों आपने, एक मुश्किल नज़र आने वाला क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से कर लिया अपने नंबर को 10 में कन्वर्ट करके। तो इसी तरीके से आप अपने बाकी क्वेश्चंस करें, ताकि वो पहले अपने नंबर्स को 10 में कन्वर्ट करें, ताकि फिर वो आसान हो जाए तो उसको ऐड करें।